आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हूं ईशी शुक्ला, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। खबरों में विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्षेत्राधिकारी रेलवे ने ट्रेनों में अपराध की रोकथाम के लिए बैठक रखी। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करवा नची निवासी राम रूप की करंट लगने से हुई मौके पर मौत। पुलिस व प्रशासन पर लगाया संविधान के हनन करने का आरोप। बुलंदशहर में सिंचाई नाले को तोड़कर दबंगई से किया वैध कब्जा। कस्बा कुरावली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण हुआ। फिरोजाबाद में क्षेत्राधिकारी रेलवे ने ट्रेनों में अपराध की रोकथाम के लिए रेलवे लाइन के किनारे बसे गांव के प्रधान व सामाजिक व्यक्तियों संघ की खुली बैठक। फिरोजाबाद में क्षेत्राधिकारी रेलवे ने ट्रेनों में अपराध की रोकथाम के लिए रेलवे लाइन के किनारे बसे गांव के प्रधान व सामाजिक व्यक्तियों संघ की खुली बैठक। फिरोजाबाद में क्षेत्राधिकारी रेलवे रविकांत परासन ने रेलगाड़ियों में चल रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष और रेलवे किनारे बसे हुए गांव के ग्राम प्रधान और सामाजिक संगठनों के साथ टुंडला में खुली बैठक की, जिसमें उन्होंने आउटर सिग्नल पर रेलगाड़ियों को रुक जाने पर उसमें होने वाले बाल अपराध व यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना में शामिल गांव के लोगों को रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। ग्रामीणों में पुलिस का विश्वास जगाने के लिए और ग्रामीणों से वार्ता कर इस समस्या से निपटने के लिए ये इस उद्देश्य का आयोजन किया गया, जिससे मुझे आशा है कि ग्रामीण अपना सहयोग करेंगे। आप देखिएगा, अगर उसमें अंत तक आपको कार्रवाई न मिले तो फिर आप बताइए। और किसी भी घटना या अपराधी की जानकारी के लिए सहयोग करने की अपील की और उन्हें भी पुलिस की तरफ से हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करवाना निवासी राम स्वरूप 50 वर्ष की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। एसडीएम व कोतवाल और सीओ करनालगंज में फोर्स मौके पर। परिजनों के अनुसार एक व्यक्ति उन्हें वृक्ष की डाल काटने के लिए बुला ले गया था। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करवा नचनी निवासी राम रूप 50 वर्ष के करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। एसडीएम व कोतवाल और सीओ करनालगंज में फोर्स मौके पर पहुंचा। परिजनों ने अनुसार एक व्यक्ति उन्हें वृक्ष की डाल काटने के लिए बुला ले गया था। वह वृक्ष पर चढ़कर डाल काट रहा था, उसी बीच वृक्ष विद्युत तार से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हम तो यहाँ मौजूद नहीं थे, ये लग रहा है कि कोई इनको बांका दिया और इनको जबरदस्ती पेड़ पे चढ़वाया गया। उसके बाद में जब इनको झटका लगा तो वो वहाँ से जब नीचे गिरे तो यहाँ से वो भाग गए। आए 3 दिन से लगातार बुला रहे थे। बुलाने के दौरान सुबह अपना औजार दिया और 5 रुपए की आज की और बीड़ी माचिस लेकर पेड़ के लिए रवाना, जैसे पेड़ पर चढ़ने के दौरान तुरंत आकस्मिक पेड़ से गिरकर मौत हो गई। 35 वोल्टेज रास्ते से निकला हुआ है इस से। पुलिस व प्रशासन पर लगाया संविधान के हनन करने का आरोप। जिले में हुई संविधान की हत्या को लेकर अधिवक्ताओं ने नहीं मनाया संविधान दिवस। जिले में 31 अक्टूबर को सीतापुर क्लब तोड़कर संविधान की हत्या करने का वकीलों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। संविधान दिवस के मौके पर अधिवक्ताओं ने निकाली संविधान बचाओ रैली। पुलिस व प्रशासन पर लगाया संविधान के हनन का आरोप। सीतापुर क्लब को तोड़कर प्रशासन द्वारा किए गए कब्जे को अवैध बताते हुए इसे मौलिक अधिकारों का बताया हनन। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अधिवक्ताओं को प्रताड़ित कर कई धाराओं का किया हनन। संविधान बचाने को लेकर सड़कों पर उतरे जिले भर के वकील। लालबाग चौराहे से प्रमुख मार्गों पर होते हुए निकाली संविधान बचाओ यात्रा। लगातार वकीलों द्वारा पुलिस व प्रशासन के खिलाफ किया जा रहा है आंदोलन। ये 150 वर्षों की लड़ाई का प्रतिफल था और ये सभी संविधान के निर्माता जो है वो प्रोफेशन से उत्तीर्ण ही थे। हम सबका दायित्व है कि हम सब लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि संविधान की रक्षा हो। नवंबर 1949 को देश को हमारा संविधान मिला था, पर आज सीतापुर के लिए शुभ दिन होने के साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह का दिन है कि यहाँ पर 31 अक्टूबर 2018 को संविधान की हत्या हुई। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 की आत्मा पर प्रहार किया गया। यहाँ पर सीतापुर में एक अधिवक्ता पुलिस प्रकरण जो आजकल बड़ा चर्चा में है, उसमें यहाँ के प्रशासन ने जिस तरह से एक सीतापुर क्लब पर नाजायज कब्जा किया, वहाँ पर रहने वाले गरीब को बेसहारा किया, ये जीवन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है। वकीलों द्वारा फरार वकीलों की गिरफ्तारी न किए जाने पर गिरफ्तार वकीलों को रिहा किए जाने सहित
कई मांगों को लेकर किया जा रहा है आंदोलन। सिंचाई नाले को तोड़कर दबंगई से किया अवैध कब्जा। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के गांव पापड़ी नंगला में सिंचाई नाले को तोड़कर काश्तकार गजेंद्र सिंह पुत्र गिरिराज सिंह ने दबंगई से जेसीबी ट्रैक्टर और अन्य साधनों द्वारा नष्ट कर मौका पाकर अवैध कब्जा कर लिया। जिला बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील गांव पापड़ी नंगला में सिंचाई नाले को तोड़कर काश्तकार गजेंद्र सिंह पुत्र गिरिराज सिंह ने दबंगई से जेसीबी ट्रैक्टर और अन्य साधनों द्वारा नष्ट कर मौका पाकर अवैध कब्जा कर लिया। जब सिंचाई नाले को तोड़ने की सूचना 100 डायल नंबर 2129 को दी तो 100 डायल मौके पर पहुंचकर सूचना देने वाले व्यक्ति अमित कुमार पुत्र महिमाल और नाला नष्ट कर अवैध कब्जा करने वाले गजेंद्र सिंह पुत्र गिरिराज सिंह दोनों को अपने साथ बिठा लाया और उन दोनों को थाना अहमदगढ़ पर छोड़ दिया। नाले की शिकायतकर्ता अमित कुमार पुत्र महिमाल सिंह ने इसकी जानकारी सिंचाई विभाग अमीन और मेट गजेंद्र सिंह को दी। सूचना पाकर मौके पर आए गजेंद्र सिंह मेट और अमीन दोनों ने मौका मुआयना कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कस्बा गुरावली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर 9 मार्च से 15 वर्ष तक के बच्चों को अभियान के तहत कस्बा के स्कूल लल्लू सिंह इंटर कॉलेज, देवनागरी इंटर कॉलेज, स्वराज देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नवजीवन बाल विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे करीब 14 स्कूल व 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण हुआ। कस्बा कुरावली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को अभियान के तहत कस्बा के स्कूल लल्लू सिंह इंटर कॉलेज, देवनागरी इंटर कॉलेज, स्वराज देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नवजीवन बाल विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे करीब 14 स्कूल व 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण हुआ। चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर मुनेन्द्र चौहान ने बताया कि खसरा एक जानलेवा बीमारी है। इसका परिणाम घातक हो सकता है जिससे निमोनिया, दस्त जैसी समस्याएं जैसे गर्भावस्था के दौरान रुबेला संक्रमण के फलस्वरूप शिशु जन्मजात दोषों के साथ पैदा हो सकता है जैसे अंधापन, बहरापन, कमजोर दिमाग, जन्मजात दिल की बीमारियों से इस रुबेला के टीका से दूर होती है। रुबेला रोग जीन्स बैक्टीरिया वायरस द्वारा होता है। रुबेला संक्रामक है लेकिन प्रायः हल्का वायरल संक्रमण होता है। हालांकि रुबेला को कभी कभी जर्मन खसरा भी कहा जाता है। रुबेला वायरस का खसरा वायरस से कोई संबंध नहीं है। रुबेला विशिष्ट रूप से विकसित हो रहे हैं, भ्रूण के लिए खतरनाक होता है। मौके पर ANM मीरा देवी, सुधीरा रामप्यारी, सुमन लता, सोन कुमारी, नीतू माथो, नीतू वर्मा, उषा वर्मा, किरण कुमारी, संतोष कुमारी आदि मौजूद थी। अब दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज़, जो सच वही खबर।